हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज मैं आप लोगों को 22 अप्रैल का करंट अफेयर कराऊंगी। 22 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी और उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डेली करंट अफेयर कराती हूँ और आप लोग चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज 22 अप्रैल का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। इसमें जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मनाती है हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अब हम अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है जिसका थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा असम ने की। कामाख्या मंदिर भी असम में, जिस प्रकार वाराणसी में डोर बना हुआ है उसी प्रकार यहाँ भी बन रहा है। तो असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्व शर्मा। असम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिहू त्यौहार भी असम में मनाया जाता है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सक क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है। तो ये असम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा शिलोंग में। शिलोंग में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरुआत की गई? तो हाल ही में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी और भाषाई आधार पे पहला राज्य बनने वाला भी राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? तो हाल ही में सलोखा योजना महाराष्ट्र में लागू की गई है।
ये सलोखा योजना जो है भूमि का आदान प्रदान है। इसे आदान प्रदान करने के लिए 1,000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 1,000 का स्टैम्प शुल्क लगेगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश वैश। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है अमेरिका। अब अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अब अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नीली वेंदापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी अमेरिका बना है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारतीय मूल की मनमीत कोलर अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है बसवराज बोम्मई। अब कर्नाटक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वो वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। वोट फ्रॉम वो है जो 80+ एज के हैं और जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो घर पे ही रह के वोट देंगे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पे रहा है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल पुणे में बनाया जाएगा, जो 50 एकड़ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने हैं। अब IPL से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL में सबसे ज़्यादा 2300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कंगिसो रवाड़ा बने। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हर्षल पटेल बने हैं। IPL में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने ये घोषणा की है कि कोई भी छत्तीसगढ़ी त्यौहार होगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पंचायत को 10,000 रुपये देगी। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है या राजधानी रायपुर। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे CM है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंद्रा। नया रायपुर है छत्तीसगढ़ में, उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। बिश्वभूषण हरिचंद ने अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ने अपना पहला विदेशी कार्यकाल कहाँ खोला? तो ये खोला है अबू धाबी में, जिसको बोलते हैं AIIB की स्थापना 2016 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जीन कुलीन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अब राजस्थान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी? तो ये है दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने कैजाद भरूचा को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या एचडीएफसी बैंक ने कैजाद भरूचा को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयर है अतन चक्रवर्ती और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं शशिधर जगदीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन बने? तो ये बने न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन बने हैं। इस प्रकार आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।